बाबर आजम ने कल बड़ी बुरी शिकस्त के बाद कहा कि देखिए जी पावर प्ले में हमने अच्छा नहीं खेला। अच्छा आई वांट टू आस्क यू सलमान, 56 इनका स्ट्राइक रेट था 10th ओवर में, पावर प्ले में खुद थे और मान भी रहे हैं कि देखिए जी पावर प्ले हमने सही नहीं खेला, ये खुद थे पावर प्ले में, जिम्मेदारी क्या इनके कांधों पे नहीं थी? ही वाज वन ऑफ देम। अब उसके सामने 2-3 विकेटें गिरी हैं पावर प्ले में, तो वो उसके बैट उनके बैट इसने तो नहीं पकड़े हुए थे। देखिए क्लियरली वो स्ट्रगलिंग, ये वो वाला पिच नहीं था जिस पे आप जाते ही मारधाड़ शुरू कर देते, थोड़ा सा आपको इस पे कुछ बॉलें कंज्यूम करके कुछ शॉर्ट सिंगल्स लेके थोड़ा सा प्रॉपर क्रिकेट आपको खेलनी थी। फखर जमान जिस किस्म का शॉट मार के आउट हुए, जिस तरह उस्मान खान ने एग्रेशन दिखाई, रिजवान को एक बॉल अच्छा हो गया, कैच भी बड़ा अच्छा हो गया, और रिजवान को वैसे भी अच्छी लेंथ का बॉल होता है तो लगता है कि कोई मुसीबत आ गई, कोई जलजला आ गया, अगली टांग कहीं निकल जाती है, बैट कहीं और निकल जाता है, क्योंकि टेक्निकली वो कोई यू नो कोई बहुत ज़्यादा इक्विप्ड प्लेयर नहीं है, वो अपने रिफ्लेक्सेस पे खेलते हैं। और आई थिंक वो 3 विकेटें जो हमें पावर प्ले में लूज़ किए हैं उससे भी हमारा मोमेंटम और एकदम जो प्रेशर ऑलरेडी था, आप आयरलैंड से हारे, आप न्यूजीलैंड की सी टीम से आप स्ट्रगल करते रहे, इंग्लैंड में भी हारे, तो वो चीज़ें भी फ़ौरन माउंट अप करती हैं। और ऐसे में कैप्टन जो था वो नीट नहीं खेल सका, उसने ट्राई कर रहा था वो मारने की, चला रहा था, बैट घुमा रहा था, लेकिन मिडल नहीं कर पा रहा था, अचीव नहीं कर पा रहा था जो उसका मकसद था। बट प्रॉबली टू स्टार्ट विद ये जो माइंडसेट था ना कि 200 करना है, ये वाला पिच नहीं था बिल्कुल, और ये प्री माइंडसेट की वजह से ये इतना डिस्मल शो था। अजय एक चीज़ मैं सलमान भाई से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक्स प्लेयर हैं और कैप्टन से भी रह चुके हैं, सुपर आवर में सलमान भाई प्लेयर्स को भेजने का फैसला ऑब्वियसली मैनेजमेंट करती है, लेकिन स्ट्राइक कौन करता है ये कौन फैसला करेगा? सारा कुछ ही वो करते हैं, प्लेयर्स अंदर जा रहे हैं तो जाहिर है बाहर ड्रेसिंग रूम में पता होता है, एट टाइम जो होता है कि दो ओपनर्स होते हैं तो वो एक दूसरे से कर लेते हैं, यार आज मैं फेस करूंगा, आज मैं फेस करूंगा, लेकिन ये किस ये इसके पीछे क्या लॉजिक है कि फखर जमान फेस नहीं करेगा लेफ्ट आर्म को जिसका एंगल ही अंदर हो रहा है, गेंद पुराना है, उसने ना स्विंग होना है ना कुछ होना है, और उसकी स्ट्रेंथ लेग साइड है और वो फॉर्म में है, वो जोफ्रा को मारता आया, आयरलैंड में उसने मारी हैं हिटें, इधर भी उसने आके साथ पहली गेंद पर छक्का मारा है, प्रॉबली साइटिंग द बॉल लाइक अ फुटबॉल, लेकिन वो सामने ही नहीं आया। बट सब इस पर रोशनी हम सब डाल रहे हैं, जो हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज थी, जो कप्तान की लीडरशिप होती है, चेहरे पर तमकनत होती है, हवाइयाँ उड़ी हुई थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, लग नहीं रहा था कि ये मैदान में जीतने के लिए उतरे हैं। अभी आपने जिक्र किया कि छोटे छोटे फैसले जो हैं, बात तो हमने ब्लेंडर्स की हैं, यू नो ब्लेंडर्स ये इन टर्म्स ऑफ फाइनल 11 की जो सिलेक्शन है, 15 की सिलेक्शन पर भी क्वेश्चन मार्क है। आप मुल्क में भी जानते हैं इस वक्त ऐसे प्लेयर्स हैं जो फिंगर टिप हैं, जिन्हें हम बता सकते हैं कि जो इस सूरत हाल में होते तो हम ये मैच बआसानी जीत सकते थे। पुअर डिसीजंस, अच्छा इसमें जो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड है, क्या मुझे आप बताएं कि ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि अगर ये सुपर ओवर हो गया तो हु इज़ गोइंग टू बैट, उनके ओपोनेंट के स्ट्रेंथ देखते हुए और ये देखते हुए कि कौन वहाँ से ओवर करेगा और कौन फेस करेगा, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में प्री डिस्कस होती हैं मीटिंग के अंदर, जो कि मुझे लगता है जिसमें हम इस वक्त पिछड़े हुए हैं। बिकॉज अभी आपने GNN पर देख लिया जो कैसे टूटे फूटे अल्फाज से एक शख्स खुर्दा कप्तान के, उनसे वैसे भी वो इतने फ्लुएंट या बदस्तगा में बात नहीं करते, लेकिन ही वॉज टोटली डिवास्टेटिंग इफेक्ट था उनके माइंड के ऊपर, ही वॉज फुली प्रेशराइज। अब मुझे बताएं इस वक्त जो उनका जिस ट्रॉमे से वो गुजर रहे हैं, आगे जाके आप एक इतना बड़ा मैच है जो मैचों का मैच होगा, उसमें फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस मोरल के साथ ये टीम में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, टीम क्या होगी, क्या वो जो री इन्फोर्सिंग द फेलियर टाइम एंड अगेन, क्या वही होगा आई लव मी बट आई एम सेइंग इज दिस के जनाब शादाब खेलेगा या आजम खेलेंगे, इस पर रोशनी डालिए जरा। अच्छा सर, इसमें एक मैं अगर यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, मदद मैंने आप की जो है वो दरमियान वो टोक दिया, PCB के अंदर बैठे हुए किस जगादरी ने उनको ये हुक्म दिया है या किसने उनको ये गुजारिश की है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें? भाई एक चीज़ आप 4 साल से 5 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पहले भी अपने शो में तज़करा कर चुके हैं इसका, भाई क्या शेम है आपको उर्दू बोलने में? अच्छा बट साहब, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट हो रहा है, आप निकाल के देख लें, फ्रेंच ओपन हो रहा है निकाल के देख लें, हर मैच के बाद वो टॉक करने आता है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करके जा रहे हैं हर प्लेयर, आप नडाल की बात कर रहे हैं, आप फेडरर की बात कर रहे हैं, जोकोविच को सुनने जाके किसी को देखा आपने इंग्लिश बोलते हुए? आपको क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है? नहीं, ये कौन आप वहां जाके मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है, एक काम आपसे मैं उस पर बाद में आता हूँ, बाबर आजम की जो टैक्टिकल मिस्टेक्स हैं वो क्या है? भाई आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की जर्सी आपने पहनी हुई है, बोल आप वो रहे हैं जो आप ना आपकी तहजीबी जबान है ना वो आपकी तालीमी जबान है, बात यह है कि इसमें आप इनसे सराइकी में बात कर लें, पंजाबी में बात कर लें, उर्दू में कर लें, उसका भी जवाब इसी किस्म का होगा।
मैं हमारे जो कहद आजम थे या अलामा इकबाल थे या बड़े बड़े मठाई थे वो लॉ को भी समझते थे, यहाँ के लोकल लैंग्वेज कल्चर को भी समझते थे, ब्रिटिश को भी समझते थे। ये चीज़ें अंडरस्टैंड अगर आप नहीं घर से लेकर आ रहे तो जो फैकल्टी हाई परफॉर्मेंस सेंटर की वहाँ पर ये लाजमी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज डाल दें कि जो लैंग्वेजेस हैं और जो एथिक्स हैं उन पर आपसे बातचीत होगी। ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो फिर टूटी फूटी अच्छी सी पंजाबी नहीं आ सकती, वो आनी भी नहीं है, आप 6-7 महीने लगे नहीं आनी। भाई साहब ये जिस कॉन्टेक्स्ट में आप जिक्र कर रहे हैं टू बी समवन हु कैरीज सम सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्ट टू बी यू नो टू बी एक्सप्रेसिव विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, इसके लिए नेशनल अकेडमी नहीं लम्स जाना पड़ेगा, इसके लिए किसी स्कूल किसी इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। क्योंकि नेशनल अकेडमी में कौन सा कोई प्रोफेसर बैठा हुआ, नेशनल अकेडमी में तो कोचेज ही बैठे हुए हैं और कोचेज भी जो बैठे हैं ना सुन तो ले ना। देखिए हमारे मखसूस हालात है, एक फैकल्टी बना लें कोई गवर्नमेंट कॉलेज से, कोई लम्प से विजिटिंग प्रोफेसर बुला लें कि आपने आके इसमें दर्ज देना, और वो ये ना हो कि वो भी आके पैरों के प्रस्तार बन जाएं और तू मेरा हाजी मैं तेरा बुगैम वाली बात हो। दे शुड बी वेरी पर्सोनेबल आर्टिकुलेट एंड यू नो वो अपने दे शुड बी मैन फॉर द जॉब। के लिए टाइम नहीं है ना, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज भी तो करनी है, रोज केक भी काटने हैं, वो कंटेंट पहले से बेचा हुआ है, वो प्री सोल्ड है, तो वो जो मर्जी हो जाए केक भी काटना है, वो शाबाश शाबाश भी दिखानी है, वो जर्सी पहले मिली है वो भी दिखाना है, हमने अम्मी से बात कर रहे हैं मैं आ गया हूँ मैं टीम से बाहर हो गया, क्या किस किस्म का कंटेंट है, कौन इनका क्रिएटर है, और वो इररेलेवेंट मौके के ऊपर वो ऐसी चीज लेकर आते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी सोल्ड। सो द पॉइंट इज कि आपकी प्रायोरिटीज नहीं है एंड इट इज द सेम जब आप टेस्ट क्रिकेट छोड़कर T20 मांगते हैं तो ये वही चीज है राय साहब जिसका फर्दर ये श्रीलंका में गालादारी में हम ठहरे हुए थे। मेरे साथ पाकिस्तान के कप्तान का कमरा था, सुबह सुबह उनको घर से फोन आता था और वो पंजाबी में कह रहे थे कि यह मोटर मैं कैसे ठीक करावा मैं, वो फलाने अनवर नु बुला लो वो फलाना का, उसको वहां से शिकायतें आ रही हैं कि मेरे घर के मसले तुम्हें सेटल आउट करने, हमारा कल्चर भी ऐसा है कि दुनिया के किसी और मुल्क में ये कल्चर नहीं कि प्लेयरों को पीछे से फोन जा रहे हैं। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं ये पीछे से फोनों वाली जी, कि IPL खेलने में गया पहली दफा, तो व्हाट वी आर यूज्ड टू इज कि आपको मैनेजमेंट टिकट्स दे देती है ना आपकी मैच से पहले 4 या 6 टिकटें होती हैं प्लेयर की, वो दे देती है और वो प्लेयर फिर जिसको मर्जी दे, और प्लेयर के फोन पे फोन आ रहे होते हैं वो यार 2 टिकटा दे दो, वो यार 3 टिकटा, वो कह रहा होता है किसी को दे देता है, जिसको नहीं दे सकता तो वो कह रहा होता है 5 मिलियन नहीं उसने ले ली, ये हो गया इसको दे दी उससे वादा किया था, वो सॉर्ट्स ऑफ रीजन। उधर जाके मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि प्लेयर को तो ये हेडेक देते ही नहीं है, वो प्लेयर से कहते हैं कि टिकट्स कितनी किसको भेजनी है वो हमें एक टेक्स्ट भेज दो, उन्होंने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई होती वो फ़ोन भी रिसीव नहीं करता इसके रिगार्डिंग। दैट इज़ हाउ मच दे कीप फ्रॉम अननेसेसरी नॉइज़, वो प्लेयर्स को दूर रखते हैं, और हमारे तो ये वाले मसाइल 15 ऑफिशल्स के बावजूद नहीं ख़त्म होते। एक और इशू है आपके प्लेयर के साथ जब बेगमात बात जाती है तो वो एक और इशू होता है। क्यों? साउथ अफ्रीका ने एक क्रिकेट अपना एक मैनेजर रखा हुआ था जो स्पाउसेस साथ जाती थी, जब बच्चे जाते थे वो उनकी बेबी सेटिंग करता था, सुबह नाश्ता वगैरह करता था, शॉपिंग भी उनको कराता था, प्लेयर्स सुबह सुबह ये जा वो जा। अच्छा ये तरक्की याफ्ता बोर्ड, हमारा बोर्ड भी एक नीम तरक्की याफ्ता बोर्ड है, इसके पास अच्छे खासे वसायल हैं, कुछ लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के मुझे लगता है कि हम हिस्टोरिकली हमारा पीछा करती रहेंगी, जिसके अब जो खौफनाक नतीजे हम देख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें जो व्हाट्सएप का क्यों था ये बड़ा मजे का था। अच्छा स्टैट्स पे आ जाते हैं अहमद सईद, आप बड़े जज्बाती हुए। तो फिर स्पाउसेस जाती हैं दूसरे मुल्कों में, तो बस यार दोस्त यार भी वो ले आते हैं साथ। अब ठीक है, यू नो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है वो। बिल्कुल इस तरह अहमद सईद साहब غالباً 8 ओवर तकरीबन जो डॉट बॉल हुए कल के मैच में, प्लस बहुत आपको शौक है रिकॉर्ड्स गिनवाने का, तो मेरे ख्याल बाबर आजम ने कल विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी लगे आपके बात का तस्करा करने का क्या फायदा है। मतलब मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि बाबर आजम T20 के जो है वो टॉप स्कोर बन गए हैं। आप मतलब ये जिस कैफियत से हम इस वक्त गुजर रहे हैं बहसियत को, मेरा ख्याल है इसमें ये उसी डेटा के ऊपर इन्हिसार करने का नतीजा है कि वो डिसीजन जो कॉमन सेंस की बुनियाद पर लेने चाहिए वो आपसे नहीं लिए गए, इसलिए कि ऑब्जर्वेशन वीक हो गई हैं नंबर के ऊपर भरोसा कर करके। अगर नंबर के ऊपर ही बात करनी थी तो फखर जमान का स्ट्राइक रेट 157 है इस साल T20 में, किसी नहीं बताया। बिल्कुल, उसको आपने खिलाया नहीं। हमारा डेटा एनालिस्ट शायद थ्रो मार रहा था किसी को नेट में, वो नहीं बताया होगा। हमारा डेटा एनालिस्ट है ना, वो बस ये कर रहा था कि जी इस पिच के ऊपर इतना एवरेज स्कोर बनता है तो जाके वो कर लो, तो आपसे तो वो भी नहीं हुआ। कितना था एवरेज? एवरेज है इस क्रिकेट, इस पिच के ऊपर मैंने आपको पहले बताया था कि 222 तक स्कोर भी यहाँ बनते रहे हैं। बात ये नहीं है कि कितना स्कोर बनता है कितना नहीं बनता, बात उस ऑब्जर्वेशन की हो रही है। आपसे जब
पिच के ऊपर जब आप गए हैं खेलने, आप इतने प्रिपेयर नहीं थे कि आप ये जज कर लें कि यहाँ उनकी आपने देखिए परी जो दूसरी इनिंग में पार्टनरशिप लगी है मनाज पटेल की, और जरा एक और आज जाके आप डेटा निकालिएगा जितने भी मौजूद हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, यूएसए की टीम के खिलाड़ियों ने ना फर्स्ट क्लास मैचेस जाकर निकालिएगा, आंद्रयास गाओ 60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आए साउथ अफ्रीका से, 4000 से ज्यादा रन है उसके, और फिर वो आकर T20 खेला है। आपके कितने प्लेयर खेले हैं जी पिछले 5 सालों में? शादाब खान एक मैच नहीं खेला फर्स्ट क्लास का। आपकी आधी टीम के पूरे फर्स्ट क्लास के मैच मिला ले 50 नहीं बनते, 50 नहीं बनते, तो ये उसका नतीजा है। और तबाही की तरफ हम इस प्रोग्राम में मुस्तकिल लगे हुए हैं कि आपने तैयारी तो की हुई है कैरेबियन जा खेलने की, भाई अमेरिका से तो जाना ना यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, अमेरिका की तैयारी आपने की नहीं है, आप कैरेबियन कैसे जाएंगे? हम मुस्तकिल यहाँ बैठ के चीख रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप आपने वहाँ खेलना है, तैयार कर रहे हैं लंदन इंग्लैंड में जाके, ठीक है। और एक बात ये इसमें ये है कि ये जो आपने क्रिकेटर्स की बात की, अमेरिकन तमाम जो पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं मैच फीस इन्हें नहीं मिल रही, ये भी खबरें, और सिर्फ ₹250 डेली वेजर, $250 जो है डेली वेजर है। देखिए दैट इज हमजा, दैट इज नथिंग टू डू विद इट। इसमें तो फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बहुत पैसे मिलते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत हैं, ये तो एक स्टेज होती है ना, एक टीम एक स्टेज पे है, वो क्वालिफाइड भी नहीं है, पोस्ट होने की वजह से जगह मिली है ना, उनके क्रिकेट बोर्ड इतने एस्टैब्लिश हैं कि उनको पैसा दे सके, वरना अमेरिका की जो दूसरी गेम्स है बास्केटबॉल में, जब वो यूनिवर्सिटी का प्लेयर उठाते हैं $100-200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, जब स्टूडेंट्स को उठाते हैं वो।